नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लाइफ केयर विथ गार्डनिंग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे ये पत्थर चट्टा के फायदों के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पत्थर चट्टा की पत्तियां खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं, तो उसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि वीडियो में दी गई पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझ आ सके। पत्थर चट्टा कई बीमारियों से राहत दिला सकता है। यह पथरी को जड़ से ख़त्म कर सकता है। नेचुरल तरीके से पथरी ठीक करने के लिए इसे तेज आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में गिना जाता है। साथ ही जोड़ों के लिए दर्द, वजाइनल इन्फेक्शन और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मददगार है। भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के खजाने में ऐसी कई वे कीमती जड़ी बूटियाँ हैं जो बहुत ही सेहतमंद हैं। इन जड़ी बूटियों की मदद से कई बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से बीमारियों को दूर किया जा सकता है। ऐसी ही एक यह चमत्कारी औषधि है पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा एक सदाबहार पौधा है जिसे आसानी से गमले में उगाया जा सकता है। इस आम से दिखने वाले पौधे की पत्तियां किडनी स्टोन को टुकड़े टुकड़े करने की ताकत रखती है। पत्थर चट्टा में कई गुण होते हैं। यह एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है। इससे शरीर की सूजन और दर्द को राहत मिलती है। इसकी खट्टी और नमकीन पत्तियां आंतों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होती हैं। यह पेट के विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। वहीं कई बीमारियों को कोसों दूर भगाने में सक्षम होता है। जैसा कि इस औषधि के नाम से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस पौधे में पत्थर को चटकाने यानी तोड़ने की सक्षम क्षमता है। ऐसे में यह पथरी को टुकड़े टुकड़े करके शरीर से बाहर निकालने में मददगार है। यदि पथरी के कारण आपके पेट में तेज दर्द होता है तो पत्थर चट्टा इससे छुटकारा पाने के लिए रामबाण इलाज है। इसका सेवन करना भी बेहद ही आसान है। आप एक गिलास गुनगुना पानी लें और इसके साथ पत्थर चट्टा की 2 से 3 पत्तियों को चबाकर खाएं। सुबह खाली पेट इसे खाने से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आप चाहें तो पत्थर चट्टा के पत्तों को पीसकर उसका रस निकाल लें, उसमें एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिलाएं, इसका नियमित सेवन करें। आप इन गुणकारी पत्तियों का काढ़ा भी बना सकते हैं। इसके लिए करीब 1/2 लीटर पानी में पत्थर चट्टा के 15 से 20 पत्तों को उबाल लें। जब पानी आधा हो जाए तो इसका सेवन करें। दिन में 2 बार इस पानी का सेवन करें। आप इसमें चुटकी भर नमक भी डाल सकते हैं। पत्थर चट्टा एक दर्द निवारक की तरह काम करता है। कई बार अपच और गैस के कारण पेट में तेज दर्द होने लगे तो इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए पत्थर चट्टा बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके लिए आप इसके पत्तों को पीसकर रस निकाल लें, 2 चुटकी सौंठ पाउडर मिलाकर सेवन करें। आपका पेट दर्द में छुटकारा मिल जाएगा। यह पेट के संक्रमण को भी दूर करता है। अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है तो आप पत्थर चट्टे के पत्तों को पीस लें और उसका लेप ज्वाइंट पर लगाएं। इससे आपको काफ़ी दर्द व सूजन में भी राहत मिलेगी। यह हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाता है। पत्थर चट्टा हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी कारगर है। इसके लिए आप इस पौधे के पत्तियों को धोकर साफ कर लें, फिर इन्हें पीसकर उसका रस निकाल लें। अब 1 गिलास पानी में इसके रस की 5 बूंदें डालकर पिएं। दिन में 2 बार इस गुणकारी पानी का सेवन करें। आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, आपको बहुत ही राहत मिलेगी। कई बार महिलाएं वेंजाइनल इन्फेक्शन के कारण भी बहुत परेशान रहती हैं। इसके कारण तेज दर्द, बुखार, खुजली, जलन और वेंजाइनल डिस्चार्ज जैसी परेशानियां होने लगती हैं। पत्थर चट्टा इन सभी परेशानियों से आपको राहत दिला सकता है। इसके लिए आपको इन पत्तियों के काढ़े का सेवन करना चाहिए। आप 2 कप पानी में इसकी 5 से 6 पत्तियों को उबालें। जब पानी आधा हो जाए तो उसे छानकर गुनगुना पिएं। आप इसमें शहद भी मिला सकते हैं। यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमेशा आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, तभी नियम अपनाएं।
वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।